जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर चोपड़ा में बड़े ही तज़क्को एहतशाम के साथ अपने काफ़िले को आगे लेकर रवा दवा है। जुलूस की शुरुआत मरकज़ी मस्जिद दरगाह अली से आगाज़ हुआ। आज़ाद चौक से पहला जुलूस का आगाज़ हुआ और आगे बढ़ते हुए चुनार अली मोहल्ला शेखपुरा की जानिब से आगे बढ़ते हुए गोल मंदिर और मोमिन अली बारगन अली के साथ साथ मनियार अली मोहल्ला को कवर करते हुए जुलूस जो है वापस गांधी चौक में आकर और पुलिस स्टेशन से जामा मस्जिद के पास से टर्न लेकर फिर और आगे बढ़ते हुए मेन रोड पर जाते हुए आखिरी इख्तिताम आज़ाद चौक में होगा। तमामी आलम इस्लाम के चाहने वालों से पुरखलूस गुजारिश है कि जुलूस जो है वो बड़े ही तज़क्को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है और ये चोपड़ा शहर की आन बान शान है। हम तमाम शरीय के जुलूस का तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। चोपड़ा की आवाम जो है तमाम का खैर मकदम करती है। आप यहाँ पर जुलूस में आए हैं, शिरकत किए हैं और इस जुलूस को कामयाब बनाने की कोशिश की है। ये पैगंबर जयंती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मनाया जा रहा है। पैगंबर जयंती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को
इस जहान में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में, और क्यों ना हो, जिनके सदक़े में हमको ये दीन मिला, जिनके सदक़े में ये इस्लाम मिला और जिनके सदक़े में हमको पूरी दुनिया मिली, उन्हीं की याद में पैगंबर जयंती जो है हम मनाते हैं और उसी का ये जुलूस है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें बहुत कोरोना जैसी वबा जो एक पैंडमिक थी उससे बहुत दिक्कत हुई, और ये दिक्कत की वजह से बल्कि इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब को जो है अपने त्यौहार मनाने के लिए रोकना पड़ा, खुद को अपने घरों में कैद करना पड़ा और इससे हम इस्तफादा नहीं कर पाए। हमें इसका अफसोस भी हुआ, लेकिन जब मर्जी रब है तो हमें उसको भी तस्लीम करना है। और इस तरह से हमने ये जुलूस का जो 2 साल के बाद शुरुआत की है तो हमारे दिल में ज़्यादा जोश खरोश और उमंग जाहिर होता है और तमाम लोग जो है अमन शांति से पैगंबर इस्लाम का संदेश विश्व में अमन और शांति का है उसी संदेश को लेकर अपने जुलूस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुसलमान भाइयों का ईद मिलादुन नबी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जयंती है, और इस मिरौनक के अंदर जो भी हमारे मुसलमान भाई है और जो भी जो आयल मिरौनक के अंदर शांतता रखे और मिरौनक को आसानी से पार पड़े, ये एक मेरी विनंती है। और हिंदू भाइयों को और बाकी जो भी आयल है उनको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो।